विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ने कर्फ्यू और लॉकडाउन में प्रदेश के निर्धन लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और प्रति परिवार 1 किलो चना निःशुल्क दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से पूरा विश्व ग्रसित है और प्रदेश तथा केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में प्रत्येक नागरिक के साथ है। उन्होंने कहा कि सुलह हलके में 18,000 लोगों को अभी तक 5 किलो चावल के हिसाब से लगभग 90 टन चावल वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अगले 2 माह तक ऐसे परिवारों की निशुल्क राशन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले राशन की समीक्षा की और पीडीएस में भी सभी को राशन समय पर मुहैया करवाने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। पूरा विश्व जो है वो इसके आगोश में है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी देवभूमि या वीरों की भूमि या मातृभूमि हमारा हिंदुस्तान और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, परंतु भारत सरकार ने और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो इस कोरोना को लेकर के कारगर कदम उठाए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि उन कारगर कदमों के कारण कोरोना के कदम रुके हैं, कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, मुंह के ऊपर नाक के ऊपर मास्क लगाया है और लोगों का सहयोग भी इसमें, चाहे वो राशन वितरण को लेकर के हो या एचपी कोविड फंड हो, पीएम कोविड फंड हो, उसमें जो योगदान रहा है। और ये एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस कोविड की लड़ाई के लिए जो योद्धा लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हैं, प्रशासनिक अधिकारी व कर्मी है, सफाई कर्मचारी हैं, उनका भी हम बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। मुझे आज यहाँ पनापर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आने का मौका मिला। एक तो मैं ये समीक्षा करने के लिए आया था कि हमारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस सिस्टम है, वो कैसे काम कर रहा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि श्री जयराम ठाकुर जी ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं उसके परिणाम दिखना शुरू हुए हैं। लोगों के जन सहयोग के कारण प्रवासियों को निशुल्क पैकेट बनाकर के वितरित हो रहे हैं, परंतु जो बीपीएल और एपीएल परिवारों के लोग हैं उनको भी, विशेष करके जो बीपीएल परिवारों के लोग हैं, बढ़ा हुआ कोटा निरंतर दिया जा रहा है। लगभग 26,000 कार्ड धारक सुलह हलके में है, उसमें से 17,000 लोगों को ये राशन वितरित किया गया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 2 महीने का राशन जो है ये पहुंच चुका है, यानी लोगों को किसी तरीके की कोई अन्न को लेकर के मुश्किल ना हो, ये प्रयास निरंतर जारी है।